हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसआईआर पॉइंट एंड स्टडी क्लिक प्रयागराज। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक किसके लिए है? इट इज कॉमन टॉपिक फॉर ऑल। ऑल का मतलब आप नीट ले लो, नेट ले लो, यूजी, पीजी, एंट्रेंस एग्जाम ले लो, आईसीएमआर ले लो, इंडिया में जितने भी बायो से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ये टॉपिक मिलने का मतलब है कि इस टॉपिक के बिना आपका क्वेश्चन, यानी डीएनए का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये कॉमन टॉपिक है, और ये कॉमन टॉपिक है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हुआ, इसका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। अब हम डिफरेंट स्लाइड्स दिखाएंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे कि एज अ प्रूफ कैसे हुआ कि डीएनए हमारा एज अ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन उसके पहले आप समझिए कि डीएनए जो हमारा है, इसके पहले जैसे हम लोग लेक्चर ले चुके हैं, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है, वो एंटी पैरलर होता है, कंप्लीमेंट्री होता है, और सेफ गार्ड में एज अ इनहेरिटेंस मटेरियल भी होता है। अगर हम लोग देखें सबसे पहले जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया गया वो थे भाई साहब हमारे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने 1928 में सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1928 में। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। सिंपल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, तो पहले कुछ हम लोग बेसिक समझते हैं कि इन्होंने किया क्या, ठीक है। तो इन्होंने किया ये कि जो हमारा, इन्होंने एक क्या लिया, बैक्टीरिया लिया, और वो जो बैक्टीरिया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया एक तरह का लंग्स इन्फेक्शन है, और लंग्स जो इन्फेक्शन की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। निमोनिया बहुत ही कॉमन होता है बच्चों में भी, और मेमल्स में खासकर बहुत ही कॉमन होता है। तो रैट्स पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको इन्होंने ग्रो कराया पेट्रीडिस में। ये पेट्रीडिस का यहाँ पे इन्होंने ग्रो कराया। जब ग्रो कराया तो इन्होंने देखा कुछ जो पेट्रीडिस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो हमको बैक्टीरिया का कॉलोनी मिला वो कैसा मिला, रफ साइज का मिला। जब रफ साइज मिला तो इन्होंने कहा इसको आर टाइप, आर टाइप, ठीक है। और आर टाइप को ये देखा, ये कैसा होता, ये नॉन वायरुलेंट होता है। नॉन वायरुलेंट मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करता, इन्फेक्शन करता थोड़ा बहुत, लेकिन डिजीज लंबा कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा है। तो डिजीज नहीं कॉज कर रहा है तो इसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया माउस के अंदर, और माउस कैसा रहा, लाइव रहा, उसको कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हुआ। और यहाँ से जब इन्होंने बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब ब्लड्स के थ्रू, प्लाज्मा थ्रू जब बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया, तो इन्होंने देखा कि आर टाइप ऑफ जो हमारा बैक्टीरिया है वो हमको मिला, और माउस हमारा कैसा था, हेल्दी था। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पेट्री डिश में ग्रो कराया बैक्टीरिया को, उसमें देखा कि जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, स्मूथी है, यानी स्मूथ है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, सॉरी पॉलीसेक्राइड का एक कवर है, वो कवर कैसा है, बहुत ही स्मूथ है। उस कवर की वजह से जो बैक्टीरिया का कॉलोनी बना वो कैसा है, स्मूथ है। इसलिए इसको इन्होंने क्या किया, यस टाइप, यस टाइप का, यस टाइप में एक चीज और इन्होंने देखा, ये कैसा है, वायरुलेंट है, मींस ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज करते ही ये क्या करता है, उसको जिसको भी डिजीज कॉज होगा वो डेथ हो जाएगी उसकी।
तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट तो ये किया था कि जो आर टाइप का था बैक्टीरिया उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर और फिर देखा कि वो कैसा था, लाइव था। और वहां से क्या किया, जब एक्सट्रैक्ट किया तो वहां पे आर सेल्स यानी जो बैक्टीरिया सेल्स थे वो हमको मिल गए। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि जो एस टाइप सेल्स था उसको जो है इंजेक्ट किया कहाँ पे, माइस के अंदर, और माइस को क्या देखा, थोड़ी दिनों के बाद ये क्या हो, इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद फिर से यहां से एक्सट्रैक्ट किया तो देखा कि हमको एस टाइप ऑफ जो है सेल्स मिले, बैक्टीरिया स्मूथ जो वायरुलेंट है जो डिजीज कॉज करते हैं। तो ये दो एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जो हमारा वायरस है, वायरस क्या कर रहा है, सॉरी, जो हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, वो क्या कर रहा है, सिंपल आर वाला क्या कर रहा है, उसको लाइव रखता है, और जो एस वाला है उसको क्या करता है, डेथ कर देता है। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो एस टाइप था ना इसको क्या किया, इसको हीट से किल किया, हीट किल किया, और उसके बाद फिर से क्या किया, इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट किया तो देखा कि जो हमारा माइस था वो कैसा था, लाइव था, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट बैक्टीरिया सेल का नहीं था। और यहां पे जब एक्सट्रैक्ट में देखा गया, यहां प्लाज्मा सेल से जो है एक्सट्रैक्ट करके उसको ग्रोथ कराया गया प्लेटलेट डिस्क पे, तो वहां पे कोई भी सेल हमको दिखा नहीं दिखा। तो ये क्या शो करता है कि अगर हम हीट सेल्स, एस सेल्स डालें, हीट सेल्स जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट कराएं माइस के अंदर, तो वहां हमको कुछ भी बैक्टीरिया नहीं मिलता है, और जो हमारा माइस है वो लाइव रहता है, उसको कोई हार्म नहीं होता है। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो लिविंग आर सेल्स था ये और हीट एस सेल्स था, इन दोनों को मिक्स किया, और फिर मिक्स करने के बाद क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अब इसमें नॉर्मली होना क्या चाहिए कि यहां पे हमने देखा कि एस जो था, जो हीट किल्ड एस सेल्स थे वो लाइव रहते थे, मतलब बैक्टीरिया जो माइस था हमारा उसको लाइव रखते थे, और जो हमारा आर सेल है वो भी क्या करता था, लाइव करता था। यानी ये दोनों एक्सपेरिमेंट को उन्होंने जोड़ा तो हमारा माइस कैसा होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वो डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जब उससे एक्सट्रैक्ट करके हम उसको कल्चर पे लगाया तो हमने देखा कि वहां पे दोनों टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं, यानी एस सेल्स जो यहाँ डेथ कर रहा था वो सेल्स, और जो हमारा आर सेल्स था वो दोनों यहाँ पे मिल गया। तो इससे उन्होंने जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सम सबस्ट्रेट आर ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स टू द आर टाइप ऑफ सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है सम सब्सटेंस हीट किल्ड एयर सेल से जो कि आर सेल्स में जा रहे हैं, उन्होंने केवल सम सब्सटेंस बोला, उन्होंने डीएनए एज अ कोई टर्म नहीं यूज किया। उसके पीछे वजह थी डीएनए का डेवलपमेंट जो खोज थी अभी उतनी हो नहीं पाई थी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन तो हमने निकाल लिया कि जो हमारा एस सेल्स है वहां से कुछ तो ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है, आर में जा रहा है, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया, यहां पे दिखाया हुआ है ग्रिफिथ, सेम एक्सपेरिमेंट 1928 में किया, एक इंग्लिश फिजिशियन थे, इन्होंने बैक्टीरिया जो लिया जिस पे इन्होंने काम किया वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और इन्होंने ढेर सारे स्ट्रेन्स यानी निमोनिया के ढेर सारे स्ट्रेन्स क्या किया, आइसोलेट किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसी में से जो हम मैंने आप लोग को बताया उसमें क्या था, थर्ड एस और सेकेंड आर, ठीक है, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। जो वायलेंट टाइप होता है वो डिजीज कॉज करता है, वो कैसे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई ए पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, और उसका जो कोट का होता है ओवरऑल जो बाहर का आवरण होता है, जो कोट होता है वो कैसा होता है, स्मूथ कॉलोनी करता है, जैसे टाइप 3। ऐसे नॉन वायलेंट टाइप 2 आर, इसके अलावा ये क्या होता है, रफ होता है और कॉलोनी के फॉर्म में अपीयर होता है, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये था कि जो हमने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमारा
थ्री एस जो कि हीट किल्ड था वो, और प्लस सेकेंड आर जो कि लाइव था। इन दोनों को जब मिक्स करके हमने डाला था तो बैक्टीरिया तो सॉरी माइस तो मर गया, लेकिन बैक्टीरिया हमको 3S लाइव मिला प्लस सेकेंड आर मिला। तो आफ्टर द फोर एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ कंक्लूड दैट सेकेंड आर समहाउ ट्रांसफॉर्म इनटू थर्ड एस टाइप एंड दिस ट्रांसफॉर्म हैड प्रूव परमानेंट जेनेटिक चेंजेस इन द बैक्टीरिया। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को, इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट को फिर से एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्थी ने 1944 में रिपीट किया। तो ये जो रिपीटिशन था इन्होंने किस में किया, पहले तो ये लोग जान लीजिए कि तीनों लोग कहाँ थे, रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में काम करते थे जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। वहाँ पे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया और रिपीट के बाद फिर से जो देखा गया तो यहाँ पे प्रूव हुआ कि डीएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर किस पे किया था, हम लोग देखते हैं। इन्होंने सिंपल क्या किया, जो हीट किल्ड यस सेल्स थे, एक सेकेंड, जो हीट किल्ड यस सेल्स थे ठीक है वो लिया, उसमें फिर क्या किया इन्होंने, उसको आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद तीन अलग अलग जगहों पे इसको डाल दिया, ठीक है, मतलब सेम चीज, थर्ड एस प्लस सेकेंड आर, सेम चीज लिया बैक्टीरिया में यहाँ पे, या सेकेंड आर नहीं लिया मान लीजिए, इसको हटा दीजिए आप। इन्होंने क्या किया फिर से देखते हैं हम लोग, ओके इन्होंने हीट किल एस सेल्स लिया, फिर इसको क्या किया आइसोलेट कर लिया, फिर यहां पे क्या किया ऐड किया सेकेंड आर को, या फिर सेकेंड आर सेल्स को भी इसमें क्या किया ऐड किया, और सेकेंड आर ऐड करने के बाद तीन अलग अलग एंजाइम्स को इसमें डाला, प्रोटीनेजेस डाला ताकि प्रोटीन क्या हो जाए डिग्रेडेशन हो जाए, कोई प्रोटीन ना बचे, आरएनएज डाला, इससे क्या होता है कि कोई भी आरएनए आपका नहीं बचेगा, डीएनएज डाला, इससे क्या होगा कोई भी डीएनए नहीं बचेगा अगर होगा तो, ठीक है। इन तीनों को लिया और लेने के बाद फिर से क्या किया इसको अपीयर किया, मतलब फिर से देखा, तो ये देखा कि जो थर्ड में था ठीक है यहाँ पे कोई यस सेल्स नहीं मिला, बाकी दोनों में यस सेल्स मिल गए, तो इट सीम्स कि यहाँ पे डीएनए नहीं था, डीएनए ना होने की वजह से हमको कोई भी यस सेल्स नहीं मिला, लेकिन यहां दोनों जगह क्या मिला हम लोग को यस सेल्स मिला। तो ये कंक्लूड करता है कि जो डीएनए डिग्रेड कर रहा है, जो आगे चल के नहीं मिला हमें यस सेल्स में, वही क्या है हमारा एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें फिर से कि एग्जैक्टली क्या हुआ, सिंपल समझिए, क्या है यार, ओके थर्ड एस को कल्चर कराया, हीट किल्ड किया इसको, ठीक है। इसके बाद इसको क्या किया, तीन अलग अलग बीकर्स में हमने इसको आइसोलेट कर लिया, आइसोलेशन के बाद हमने ये देखा यहाँ पे सेकेंड एस डाल दिया, सेकेंड आर यहाँ पे डाल दिया। अब साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोटीनेज डाल दिया, यहाँ पे आर एन एज डाल दिया, और यहाँ पे डी एन एज डाल दिया। इन दोनों में हमने देखा कि आगे चल के थर्ड एस बैक्टीरिया हमको कल्चर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड एस हमको नहीं मिला, अब्सेंट रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए को डिग्रेड कर रहा है ठीक है, आगे चल के थर्ड एस में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, यहाँ पे दोनों हो गया। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला कि जो हमारा बैक्टीरिया है यहाँ पे ठीक है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो उन्होंने बोला था सम सब्सटेंस ट्रांसफर बाय द ग्रिफिथ,
यहां पे इन तीनों ने ये प्रूफ किया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर हो रहा है आगे। इसी एक्सपेरिमेंट को फिर बाद में हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंटल फिर से प्रूफ किया। तो इन्होंने क्या किया फाइनली हर्शे एंड चेज ने, अच्छा हर्शे एंड जो चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था 1952 में, एवरी मैकार्थी ने किया था 1944 में, ठीक है। तो हर्शे एंड चेज ने क्या किया, T2 बैक्टीरिया लिया और ई कोलाई में इसको इंजेक्ट कराया। अगर आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज हो इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक, कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज दो तरीके से काम करता है, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल और दूसरा होता है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में और लाइसोजेनिक में एक डिफरेंस होता है कि लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरस वायरल डीएनए होगा वो क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन होने के बाद सम टाइम के बाद बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट कर दिया जाता है। अब ब्रस्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ सारे का सारे वायरस आ जाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस के बाद हम लोग चलते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली वो कैसा था, हम यहाँ देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दो तरीके का कल्चर, मतलब दो कल्चर को अलग अलग डेवलप कराया। सबसे पहले जो मीडिया लिया एक कल्चर में, वो लिया S35 जो कि कैसा था, ये रेडियो एक्टिव था। सेम दूसरा कौन सा लिया, P32 ये भी रेडियो एक्टिव था। और एक डिफरेंस ये होता है कि फास्फोरस जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है और जो सल्फर है, सल्फर सिस्टीन और मिथियोनिन में प्रोटीन्स में पाया जाता है, अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन में पाया जाता है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो एस है सल्फर वो सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्रोटीन में, और फास्फोरस किस में पाया जाएगा, सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया कि सबसे पहले इन्फेक्ट किया बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरियोफेज को यहाँ से फिर हमने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमने ये देखा कि जो पैलेट, मतलब दो चीज़ें मिलती है, पैलेट एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन एंड पैलेट। जो नीचे पैलेट बैठता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, और सोल्यूशन में हमारा क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब पहली बार हमने इसको इन्फेक्ट करा के और आइसोलेट कराया थ्रू द सेंट्रीफ्यूगेशन, तो यहाँ पे हमको मिला कि जो सल्फर था वो 35 हमको मिला, मतलब रेडियो एक्टिव मिला। सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी हमने किया कि इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्शन के बाद क्या हुआ, इसको हमने आइसोलेट कराया। आइसोलेशन में हमको यहाँ पे क्या मिला, P32, और ऊपर क्या मिला हमको, जो प्रोटीन मिला प्रोटीन नॉर्मल था, यहाँ पे जो हमको डीएनए मिला यहाँ पे जो P32 का नहीं था तो यहाँ पे नहीं मिला। अब इसको फिर से हमने क्या किया, फिर से इन्फेक्ट कराया, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में हमने इसको इन्फेक्ट कराया। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब इसको डीएनए को इन्फेक्ट कराया तो हमने देखा कि जहाँ वो S35 था वो हमको उस तरह का कोई भी हमको प्रोटीन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जब हमने इस P35 डीएनए को फिर से इन्फेक्ट कराया अगले नेक्स्ट जनरेशन में, तो वहाँ पे हमने देखा कि P32 ये हमको नेक्स्ट जनरेशन में भी मिलता है। तो ये प्रूफ करता है कि जो डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जबकि प्रोटीन क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये हमने देखा कि डीएनए कैसा है हमारा एज अ जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम फिर से एक बार देखें, मतलब तीन एक्सपेरिमेंट को, पहला ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, दूसरा एवरी मैकार्थियन मैकार्ट का जो एक्सपेरिमेंट था ये 1944 में, और हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट ये 1952 में। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, एज अ
जेनेटिक मटेरियल। तो आज के लिए बस यही करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये किसने प्रूव किया था और सेमी कंजर्वेटिव ही क्यों होता है, कंजर्वेटिव क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।